क्यों मजा आया ना ये फिल्म देखकर? मेरी तरह आप भी खो गए ना अपने बचपन की यादों में। मैं तो जब भी ये गाना सुनता हूँ बचपन की उन मस्ती भरी यादों में खो जाता हूँ, लेकिन साथ में यह भी सोचता हूँ कि जैसे ही हमने स्कूल में दाखिला लिया तो ये सारी चीज़ें हम भूल ही गए। शायद स्कूल में वो अवसर नहीं मिला, या फिर किसी ने बताया नहीं, या शायद दोनों ही बातें सच हो। लेकिन ये बात तो पक्की है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को स्कूल जाना अच्छा लगता था, क्योंकि उन अवसरों पर हमारे दोस्तों में कोई ना कोई जरूर किसी न किसी डांस या नाटक में हिस्सा लेता था। तब हम उसे हीरो की तरह देखते थे। हम लोग क्लास से छुप छुप कर डांस की रिहर्सल देखा करते थे और ये पता लगाने में काफ़ी दिलचस्पी रखते थे कि कौन सा नाटक दिखाया जाने वाला है। इस तरह से हम लोग खूब मजे करते थे। भाई वाह, क्या दीन थे वो ना। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए ये सारी चीज़ें पीछे छूटती गई। क्या गाना, क्या नाटक। और जब आज के संदर्भ में इन सब बातों को याद करता हूँ तो सारे स्कूलों में यही बातें नजर आती हैं। और जब इसका संदर्भ लड़कियों की शिक्षा से हो तो स्थिति और भी गंभीर दिखती है, खासकर जब ये लड़कियां निचले तबके जैसे दलित आदिवासी समुदाय से हो। ऐसा लगता है मानो उनको ये अधिकार ही नहीं दिया गया हो कि आप नाटक करें, गीत गाएं, आप अपने आसपास के माहौल को महसूस करें, अपने विचार रखें और समाज को यह बताएं कि हम भी कुछ सोच सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, हमारी भी कुछ इच्छाएं हैं। बस हर कोई यह मान लेता है कि हमें तो कुछ भी नहीं आता, शिक्षा के नाम पर सिर्फ स्कूल जाना और किताबें पढ़ना ही चाहिए, और संस्कृति के नाम पर हमारे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। अपनी इच्छा को दबाकर सिर्फ समाज के साथ खड़े तो हो सकते हैं लेकिन अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकते, और इसी तरीके से हम इन चीज़ों से वंचित रह जाते हैं और हमारी सारी कल्पनाएं धरी की धरी रह जाती हैं। आइए आप और हम मिलकर इन्हीं बातों को टटोलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि शिक्षा में थिएटर का क्या महत्व है। इसी चीज़ को ध्यान में रखकर केयर इंडिया बिहार ने 7 दिवसीय थिएटर वर्कशॉप का आयोजन बिहार के मधुबनी जिले में किया। इससे बच्चों में किस स्तर तक बदलाव आ सकता है और साथ ही वह उनके व्यक्तित्व को किस तरह से प्रभावित करता है ये जानने की कोशिश की। सबसे पहले मिलते हैं इस थिएटर के पात्रों से। आपने ये जरूर महसूस किया होगा कि बच्चे अपरिचित लोगों से मिलने में काफ़ी संकोच करते हैं। इस संकोच को पूरी तरह दूर करके ही हम उन्हें अपना दोस्त बना सकते हैं। हमारे यहाँ भी हमारे ट्रेनर साथी ने वर्कशॉप की शुरुआत कुछ ऐसे ही की और ढेर सारी गतिविधियों से बच्चों को पहले अपना दोस्त बनाया, उनकी झिझक को तोड़ा। आइए आप और हम मिलकर देखते हैं ऐसी ही कुछ गतिविधियों को। वन वन टू टू टू। अच्छा अब इसमें एक चीज और जोड़ देता हूं मैं, तीन में बैठना है, ठीक है? ओके वन टू वन One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten,
राजा अगर बोलता है वही करना है, ठीक है। राजा थोड़ा उल्टा चलना शुरू कर। राजा बोला सर पे हाथ रखो, राजा बोला नाक पकड़ो, राजा बोला कान पकड़ो, राजा बोला पेट पे हाथ रखो, राजा बोला हंसो। इसी प्रकार प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए कई अन्य गेम खेले गए, जिसका उद्देश्य था बच्चों की झिझक तोड़ना और बड़ों की दुनिया में उन्हें शामिल करना। तो इन्हीं गतिविधियों के साथ आइए हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि इस वर्कशॉप का उद्देश्य क्या था, और साथ में यह भी देखते हैं कि नाटक कितने प्रकार के होते हैं। अपनी बात को नहीं रख पाते हैं सबके सामने, नहीं रख पाते ना, तो वो 6 दिन में हम चाहेंगे कि सब लोग खुल के बोलें। अभी हमने जो भी 3 मिनट में डांस परफॉर्मेंस साउंड इन्होंने अपना परिचय ये सब कर रहे थे, और सिर्फ 3 मिनट में बहुत सारे लोगों ने अच्छे से बोला, बहुत सारे लोग घबरा रहे थे, अब नहीं बोल पा रहे। वो मैं चाहता हूँ कि ये 6 दिन में वो खत्म हो जाए, किसी के सामने हम अपनी बात को रख पाए। इसके अलावा एक तो ये मकसद है, दूसरा मकसद ये है कि मेरे जाने के बाद, मेरे और इरफान के जाने के बाद, आप लोग कोई भी नाटक बनाना हो तो जैसे सब्जी कैसे बनता है वो सीखते हैं ना हम लोग, मम्मी से सीखते हैं या औरों को देख के सीखते हैं, तो हम चाहते हैं कि हम आपको नाटक कैसे बनता है वो बता दें, ताकि आप लोग पूरे जीवन में किसी भी मुद्दे पे अगर नाटक बनाना हो तो वो बना सकें। नुक्कड़ नाटक या स्टेज पे नाटक, सब के बारे में, नाटक कैसे होता है, कैसे करते हैं, वो सब कुछ हम लोग बात करेंगे और एक नाटक बनाएंगे, और नाटक सब लोगों के सहमति से होगा। सब लोग, ये पूरा एक ग्रुप है, सब लोगों की सहमति होगी, सब लोगों की राय होगी, और सब लोग मिलके हम एक कोई मुद्दा चुनेंगे। हो सकता है कि आप ही लोगों का वो मुद्दा हो, उसको चुन के उसके ऊपर नाटक बनाएंगे। इंग्लैंड के राजा है के प्रिंस चार्ल्स, उनके लिए हमने एक नाटक किया। नाटक में उनको तो हिंदी समझ में नहीं आएगा, अंग्रेज लोगों को हिंदी समझ में आएगा नहीं आएगा। तो हमने क्या किया कि उस समय हमने माइंड थिएटर को प्रयोग किया। अब यहाँ पे बिहार में तो हिंदी समझ में आ रहा है, लेकिन भारत के अगले दूसरे साउथ इंडिया में चले जाएंगे तो अगर आप हिंदी बोलेंगे लोगों को समझ में नहीं आएगा। आप जो मैथिली बोलते हैं, बिहार की बात बता रहा हूँ, अगर आप मेरे डिस्ट्रिक्ट चले जाइए सिवान, और अगर आप मैथिली में बात करेंगे तो मेरे को समझ में आएगा, लेकिन उतना क्लियर समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि उस समय हम लोग माइंड थिएटर का प्रयोग करते हैं। क्या दूरी तो खड़ा हो, क्या प्रॉब्लम हो गया आपको? भट्टी में जी हाथ होती है, क्या कर रहे हो ये? क्या कर रहा हूँ? आपको प्रॉब्लम है तो आप कार में क्यों नहीं जाती है, बस में आ गई? आप जाइए ना। क्यों, मैं क्यों जाऊँ? उल्टा मुझे छेड़ रहे, उल्टा भैंसा नहीं कर रहे मुझसे। मैं छेड़ रहा हूँ और क्या? ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया कि दिल्ली में बसों में ना बहुत महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, उसके ऊपर हमने नाटक बनाया, और सिर्फ 2 लोग नहीं, बहुत सारे, करीब 10 लोग का। तो इसमें ज्यादा चांस है पिटने का। किसको पिटने का? लड़का को पिटने का। लेकिन हम क्या करें?
कि हमारे ग्रुप में से नहीं, जैसे अभी दो लोग यहाँ पे हैं, ये नाटक रिस्क बहुत है लेकिन बहुत असरदार है। तो जैसे 621 नंबर बस जहाँ से शुरू होता है वहाँ पे हम सब लोग 8-10 लोग चल रहे हैं बस में, कोई किसी को देखने नहीं। और हमें ये भी ख्याल रखना है कि हम सब लोग एक उम्र के नाम, नहीं तो लोगों को ये लगेगा कि अरे तुम तो नाटक कर रहे हो। हम ऑडियंस को बोलते हैं कि अरे तुम कुछ बोलते क्यों नहीं, देखो ना वो लड़का छेड़ रहा है, जाके बोलो ना कुछ, तुम जाके बोलो ना। लेकिन लोग मरे हुए लोगों का कोई कोई ठीक है। ये एक नाटक है, इसके अलावा एक थिएटर होता है जिसका नाम है न्यूज़पेपर थिएटर। न्यूज़पेपर में सिर्फ दो लोग होते हैं, मैं और पृथ्वी सर। आप देखिए, मान लीजिए आप दोस्त हैं और मैं, और किसी पब्लिक प्लेस में बस स्टॉप पे और हम दोनों बैठे हैं, इन्होंने बोला यार न्यूज़पेपर में क्या खबर है पढ़ के सुनाना, तो मैं खबर पढ़ूंगा ना, छपरा में 22 बच्चे मर गए पृथ्वी जी। और पता है क्यों मर गए आपको नहीं पता? अरे वो स्कूल में वो जो हैंडपंप था उसमें किसी ने जगह नहीं लगा। इस बात को लेके हम नाटक करते हैं, चाहे न्यूज़पेपर में वो हो या ना हो। बेटे सुन लो, वो हो चाहे ना हो, लेकिन इस पे हम बातचीत करेंगे। आप बोलेंगे अरे नीतीश बेकार है, इस पे आपका क्या राय है, जो हुआ वो ठीक हुआ। ऐसे लोगों को जोड़ना है, जोड़ेंगे ऑडियंस से बात करो, ये भी एक प्रकार है। तो इतने प्रकार होते हैं नाटक के। ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि बच्चे स्वभाव से खोजी प्रवृत्ति के होते हैं और जल्दी किसी बातों पर विश्वास नहीं करते। वो बड़ों का बिना सहयोग लिए और विचारों का प्रयोग करते हुए अपने नाटक को खेल सकते हैं। इसी नाटक के माध्यम से बच्चे धीरे धीरे बड़ों की दुनिया में सम्मिलित हो जाते हैं। वे स्थितियों से यह पता लगाते हैं कि वो कैसा महसूस करते हैं। दोस्तों, नाटक एक सृजनात्मक गतिविधि है। इसके माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों को प्रकट कर सकता है, विभिन्न परिस्थितियों का मूल्यांकन कर सकता है। इस प्रक्रिया में ऐसे विचारों का विकेंद्रीकरण हो जाता है जो स्पष्ट नहीं है, साथ ही दुविधाजनक विचार भी समझ में आ जाते हैं और टूटे फूटे विचार पूर्ण हो जाते हैं। भाई, नाटक तो अन्य सृजन कलाओं की तरह ही व्यक्ति को अपने विचारों और अनुभवों का परीक्षण करने के लिए बाध्य करता है। इससे हमारी काल्पनिक दृष्टिकोण प्रेरित होती है और हमें अपने आसपास के संसार की गहराई और अधिक समझ में आती है।
बच्चों के पास की महत्वपूर्ण वस्तुएं जिनका वो अनुभव करते हैं उनके लिए वे बड़ी होती है, वे उनके लिए अन्य वस्तुओं से महत्व के आधार पर छोटी या बड़ी होती हैं। मिसाल के तौर पे उसके लिए एक फूल घर से बड़ा हो सकता है, वो उसे हाथों में पकड़ सकता है। देखे हुए यथार्थ से जाना पहचाना यथार्थ अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। आइए इसे इस विजुअल के माध्यम से हम देखते हैं। इस तरह से नाटक का ये वर्कशॉप आगे बढ़ता गया और बच्चों में अलग अलग तरीके से बोलने, अपने विचारों को रखने, तार्किक क्षमता, ध्यानपूर्वक सुनने की कला, इंद्रियों का उपयोग, सामाजिक मुद्दों को समझने का कौशल, टीम वर्क इत्यादि की समझ विकसित हुई और अंत में सबने मिलकर नाटक का मंचन किया। हे भगवान, कैसे घर में जन्म हो गया।
कीजिए, जल्दी जल्दी लड़की के माता पिता को बुलवाइए जल्दीबाजी में। ओम बुर्बुवस्वाल, कन्यादान के लिए लड़का लड़की के आगे हाथ बढ़ाइए। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुनरीगच्छय, मंगलाय तनु हरि। अब शादी संपन्न हुआ, अब हम चलते हैं। पंडित जी सुनिए, कुछ दक्षिणा भी ले लीजिए, चलते हैं। प्रणाम पंडित जी। आनंद रहो, आनंद रहो, सुखी रहो, सुखी रहो। पंडित जी सुनिए, थोड़ा दही चूड़ा भी खा लीजिए। अभी हमको जल्दीबाजी में है और शादी करवानी, मेरा इंतजार करता होगा। थोड़ा ही खा लीजिए, इंतजार करता होगा, इसलिए हम चलते हैं। हरिओम हरिओम हरिओम। तुम्हारा नाम क्या है? शिवानी कुमारी। कितने क्लास तक पढ़ी हो? आठवीं तक। आगे क्यों नहीं पढ़ी? मेरे मम्मी पापा मुझे पढ़ने ही नहीं दिए। ठीक है, अब तो हम नहीं पढ़ा सकते हैं। चलो चल के घर का कामकाज देखना और मेरे मम्मी पापा का ख्याल रखना। चलो चल के माता पिताजी से। ठीक है। प्रणाम पिताजी। खुश रहो खुश रहो। हम जा रहे हैं दिल्ली। ठीक है। घर का सारा काम काज देख लेना। देख लूंगी। और मम्मी पापा का भी ख्याल रखना। हाँ। और तुम अपना भी ख्याल रखना। हाँ रखूंगी। ए बहू सुनती हो? जी माँ जी। देखो यहाँ कपड़े रखे हुए, तुम्हें साफ करके तुम फैला देना। और ये बर्तन है, तुम्हें साफ करके धो देना। और ये घर में कच्चे से तुम्हें साफ कर लेना। बाबू को तुम पूछ लेना चाय और नाश्ते के बारे में। ठीक है, मैं खेत पर जा रही हूँ। बर्तन मांजना, झाड़ू लगाना, सारा मुझे ही करनी पड़ती है। ऊपर से बाबूजी का चाय भी देना बाबूजी को और नाश्ता भी तैयार करना। एक तो दहेज नहीं लेके आई और कोई काम करती है तो इधर इधर करती है। ओ बहू, बैरी हो गई हो क्या? सुन नहीं रही हो? नहीं बाबूजी, सुनती हूँ। थोड़ा चाय बना के लाओ। जी लाती हूँ। मैं पढ़ी लिखी, मेरी किस्मत फूट गई मम्मी जी। मैं आठवीं पढ़ी लिखी, मेरी किस्मत फूट गई मम्मी जी। सास बोली झाड़ू लगाने, सास बोली झाड़ू लगाने, कमर टूट गई मम्मी जी, कमर टूट गई मम्मी। चलो चलो बात करते हैं। हाँ। आनंद बेटा देखो बहू को क्या हो गया।
गैस ले जा। क्या हो गया? कितना पैसा हुआ? 100 रुपया। पहले 50, उसके बाद 100 लीजिए। देखिए मैडम जी, धीरे धीरे सब कुछ का दाम बढ़ता है ना। ओ, महंगाई आ गई होगी। हाँ। ची ची, पूरा कपड़े पे उल्टी करवा दी, वहीं से दिखा दो, वहाँ पे लटका देती ना। सॉरी मैम, गलती हो गई, अब से ऐसी गलती नहीं होगी। पूरा कपड़ा पे उल्टी करा दी। सॉरी मैडम, वहाँ पे सुला दो, हम आते हैं कपड़ा बदल कर। ठीक है मैम। क्या हुआ? 4 दिन से चक्कर आ रहा है, उल्टी हो रही है, पता नहीं क्या हो गया है। कंजूस है ना, का दिखाइएगा। अभी तो घुसखोर डॉक्टर है ना। आपके कहने से? तो हमारे कहने से आप कंजूस हैं? जिस दिन उल्टी हुआ उसी दिन आते ना। आज सीरियस हालत हो गया ना, इसीलिए मरने के समय। हाँ, चलता है, करीब नर्स इधर आओ। जी मैडम जी। उसके जो गार्जियन है उसको बुलाओ। बुला रहे हैं, जाइए। बोलिए डॉक्टर साहब, इधर आइए। बोलिए, आपकी जो पत्नी है ना जी, वो माँ बनने वाली है जी। ओ, माँ बनने वाली है, बहुत खुशी की बात है, तो कूद कूद के हम सबको बताएंगे। सुनिए, आपके जो पिताजी है ना जी, उसको बोल दीजिएगा हमसे मिलने के लिए। जी बोल देंगे। हाँ ठीक है, मरीज को ले जाए। रुकिए थोड़ा, देर दवाई लिख के दे देते हैं। जी 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 जी। ये ले लीजिए। दीजिए, कैसे कैसे खिलाना है? इतना बड़ा ताकत का शीशी ले लीजिएगा। इतना बड़ा? हाँ, इतना बड़ा दवा लीजिएगा ताकत का। इतना बड़ा ये? ठीक है, जा। हाँ जाइए। टिंग टिंग। हाँ हेलो। हाँ, आप अनंत के पिताजी बोल रहे हैं? हाँ, क्या बात है? आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, आप क्लिनिक पर तो थोड़ा आइए। अच्छा ठीक है, हम आ रहे हैं। नमस्ते डॉक्टर साहब। हाँ नमस्ते नमस्ते, इधर आइए। हाँ, क्या बात है? आपके जो बेटा आनंद है ना? हाँ। उसकी जो पत्नी है ना? हाँ। वो माँ बनने वाली है। ओह, ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ थारी थारी, एक बात पूछना है। हाँ पूछिए पूछिए। मेरी बहू जो माँ बनने वाली है, हाँ हाँ, उसके पेट में लड़का है या लड़की? सो आप क्लिनिक के ऊपर नहीं देखे? देखा बेटी का डाकना जुलूम है, हमको नौकरी से हटा दिया जाएगा। देखे तो, पर कुछ पैसे ले लीजिए। अच्छा ठीक है, आपके जो आनंद बेटा है ना, आपका जो बहू है ना, हाँ? उसके पेट में लड़की है? नहीं नहीं नहीं, हम लड़की नहीं रखने वाले हैं। मेरे घर में सबसे पहले लड़का ही होता है, हम लड़की नहीं रखेंगे। ठीक है, आपकी जैसी मर्जी। आनंद बेटा। जी बहू जी। बहू को लेके डॉक्टर के पास जाओ। जी बहू जी। क्योंकि तुम्हारी पत्नी जो है ना, उसके पेट में लड़की, हम लड़की नहीं रखने गए, लड़की हमारे घर की कलंक होती है। जैसी मर्जी आपकी बहू जी। शिवानी, शिवानी क्या? चलो डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास? हाँ, कल ही तो आए थे हम लोग डॉक्टर के पास से। लेकिन बाबू जी कहते हैं तुम्हारे पेट में बेटी है, हमको बेटी नहीं रखना, बेटी घर की कलंक होती है। आप भी यही चाहते हैं? क्या करें, मेरे बाबू जी की जो इच्छा। नहीं नहीं, मुझे नहीं जानी है। चल नहीं जानी। चल। सबसे ये कह दो।
कोई फर्क नहीं होता, मुझे माफ कर दो। पता से ना जिस जगह कोई फर्क नहीं, जो लड़का वो लड़की है। आनंद बेटा दे, अरे जी सुनती हो, देखो कौन आया है। शिवानी तुम? हमें। कब आई? अभी। ये कौन है? आपकी बेटी। प्रणाम पिताजी। बेटी खुश रहो खुश रहो खुश रहो। सुने है कि तुम डीएम बन गई हो? हाँ मैं बन गई हूँ डीएम। अच्छा, मैं नहीं पता था कि बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं होता, अब मैं पता चल गया। बेटी मुझे माफ कर दो। पिताजी माँ मर जाएंगी। माफ करना बहू? नहीं नहीं माँ जी, आप तो मुझसे बड़ी हैं, माफी मत मांगिए। प्रणाम दादी जी। खुश रहो खुश रहो। बोए जाते बेटे यार उग जाती है बेटिया, बोए जाते बेटे यार उग जाती है बेटिया। खराज पानी बेटो, खराज पानी बेटो। तो हमने ये देखा कि सारे बच्चों ने इसमें अपनी सहभागिता दिखाई, और उन्हीं बच्चों में आपने देखा कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी अपने विचारों को रख रहे थे। चूंकि नाटक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षा और उपचारी दोनों प्रकार का होता है, और नाटक के माध्यम से क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, इस धारणा से मुक्त होने की अत्यधिक संभावना होती है। आइए उनकी इस सहभागिता को हम इस विजुअल के माध्यम से जानते हैं। अरे पानी क्यों मार दियो? अरे पानी क्यों मार दियो? उठ गया हूँ ना मैं, उठ गया हूँ ना मैं, है ना? है ना? तू थोड़ी सी नींद ले। चलो बुश कर ले। इस तरीके से हमने देखा कि बच्चों में ये जो छुपी हुई कला थी, जो एक सोच थी खुद को लेकर, उस समाज को लेकर, उसे उन्होंने अपने नाटक के माध्यम से व्यक्त किया। हमने यह भी देखा कि उनके सोचने के तरीके में भी बदलाव आया। छात्रा हूँ मैं, कुछ कहने जा रही हूँ। जब सर लोग आए थे यहाँ पे तो मुझे बहुत डर लगता था, हम कैसे बोलेंगे कैसे बात करेंगे। और दो चार दिन के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, सर के पास रह के खेले सारा कुछ किए, मुझे अब डर नहीं लग रहा। आप खुल के बात करते हैं, कुछ भी करते हैं, बहुत करते हैं। दोनों सर को धन्यवाद देना चाहिए। दोस्तों, नाटक की बहुत सारी उपयोगिताएं हैं, जैसे इससे स्वाध्याय का रास्ता खुलता है, कल्पनाशीलता का एहसास होता है, सामाजिक और बौद्धिक जागरूकता आती है, बच्चों की अभिव्यक्ति और वाणी विकसित होती है, आत्मज्ञान, स्वाभिमान और स्वयं पर विश्वास का बोध होता है। नाटक में भाग लेने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बना रहता है। इसके अलावे बच्चे वास्तविक जीवन में दूसरों की समस्याओं का समाधान करने में सक्षम होते हैं, और अपने भीतर छिपी हिंसा एवं कुंठा को नाटक के माध्यम से निकालकर शांति स्थापित करने में सहायक होते हैं। जैसा कि यहूदी मेनुहिन कहते हैं, जो कि एक महान विचारक थे, कि मध्यस्थता और सृजनात्मकता की हर जगह कमी है, विशेषकर विद्यालयों में। हमारे जीवन से कला विलुप्त हो रही है और हम हिंसा का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। यहूदी मेनुहिन के इन्हीं कथनों के साथ मैं आप सब से विदा लेता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि इस नाटक कार्यशाला से आपने काफ़ी कुछ सीखा और समझा होगा, और इसका उपयोग आप उन तमाम नन्हे मुन्ने बच्चों की जिंदगियों को रोशन करने में करेंगे, जो हमारी तरफ हसरत भरी निगाहों से देख रहे हैं।
करते सब बच्चे जॉन चाचा तुम कितने अच्छे तुम्हें प्यार करते सब बच्चे जॉन चाचा तुम कितने अच्छे तुम्हें प्यार करते सब बच्चे जॉन चाचा तुम